साल फांसी की सजा लगातार। खरगोन जिला मुख्यालय में वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित जीएसटी एनुअल रिटर्न्स और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिन्हें नियमानुसार सभी पंजीकृत करदाताओं को 30 जून 2019 तक या इसके पूर्व भरना अनिवार्य है। इस संबंध में आ रही समस्याओं और कठिनाइयों को लेकर टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुँचकर वित्त मंत्री के नाम कार्यालय को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद कुमार जैन ने बताया कि जीएसटी रिटर्न्स फॉर्म के बारे में व्यापारियों और सलाहकारों को बहुत दिक्कतें आ रही है, समय भी बहुत कम रखा गया है। उन्होंने कहा है कि समय बढ़ाने के साथ ही सरलीकरण किया जाना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल का कहना है कि जीएसटी जब से लगा है तब से एनुअल रिटर्न भरा नहीं है और जो नया फॉर्म आया है उसमें 18 बिंदु है जिसकी जानकारी हमसे मांगी है, जो मांगी है वह उपलब्ध नहीं है और ना ही बिल में उपलब्ध है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। 2017 में जब जीएसटी जब से लगा है तब से अभी तक का रिटर्न जो है एनुअल रिटर्न भरना था तो एनुअल रिटर्न का फॉर्म नहीं आया था। जो नया फॉर्म आया है उसमें 18 बिंदु है और वो 18 बिंदु की वो जानकारियां हमसे मांगी गई है जो कि मंथली रिटर्न में हमारे को उपलब्ध नहीं है और न ही बिल के अंदर वो जानकारी है। जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है वो हम 18 बिंदुओं में कैसे भरेंगे। हमने शासन से ये मांग की है कि आप अभी तक का 2019 तक का एनुअल रिटर्न जो है वो आप पुरानी पद्धति से ले लें और 2020 से उसको लागू करें और उतने जितने 18 पॉइंट आपको चाहिए वो 18 पॉइंट हम जो है अगली बार आपको भर के देंगे, लेकिन उसके लिए हमको उतनी जानकारी इकट्ठी करना पड़ेगी। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि 2020 से इसको लागू किया जाए। एनुअल रिटर्न्स के बारे में ज्ञापन आज कलेक्टर महोदय को दिया जा रहा है। इसमें जीएसटी के अपने रिटर्न फॉर्म के बारे में हमें व्यापारियों को और कर सलाहकारों को बहुत दिक्कतें आ रही है और समय भी इसका बहुत कम रखा गया है। इसे समय भी बढ़ाया जाना चाहिए और इसे सरलीकरण किया जाना चाहिए। इसमें अनेक विसंगतियां हैं, इसे सरलीकरण किया जाना बहुत आवश्यक है। व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है इससे, इसको व्यापारी वर्ग की समस्याओं को देखा जाना चाहिए। ये सब समस्याओं को लेकर कलेक्टर महोदय को केंद्रीय वित्त मंत्री एवं सहायक कर आयुक्त आदि को ज्ञापन आज दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका?